Good morning, students. So, dear students, today's morning we are going to start our next chapter that is the new tenant. Means naya kirayedar. It was written by Polis and Gupta. So, the new tenant chapter we are going to study today. So now let's start. Let's firstly warm up.

पॉइंट्स टू डिस्कस हमें क्या पॉइंट डिस्कस करने हैं पॉजिटिव इफेक्ट्स यानी कि उसके सही प्रभाव क्या होते हैं एजुकेटिव जैसे जो हम मूवीज देखते हैं वो एजुकेटिव हो सकती है शिक्षा देने वाली हो सकती है इंफॉर्मेटिव यानी कि इंफॉर्मेशन कन्वे करने वाली हो सकती है जो मूवीज हम देखते हैं इंटरटेनिंग मनोरंजन करने वाली इंस्पिरेशनल यानी कि हमें प्रोत्साहित करने वाली शोज द ट्रूथ कलर्स ऑफ सोसाइटी तो ये जो मूवीज होती हैं हमें सोसाइटी के बारे में बताती हैं सच्चाई क्या है उनकी मे एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सोशल चेंज और उसकी वजह से हम सोशल चेंज भी कर पाते हैं मूवीज देखने की वजह से अब बात करते हैं नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं नेगेटिव इफेक्ट्स शोज क्राइम हम मूवीज में हम क्राइम देखते हैं हॉरर हम ड्रावनी चीजें देखते हैं ड्रग एडिक्शन ड्रग की लत देखते हैं उसके अंदर एंड वॉयलेंस और वॉयलेंस देखते हैं यानी कि हिंसा देखते हैं लड़ाई झगड़ा देखते हैं

chapter chapter name is the the new new tenant tenant means this chapter we are going to to study the new tenant who had come flat was a smuggler author तो वो एक बच्चे के बारे में बताता है उस बच्चे का नाम होता है रतन तो इस स्टोरी में रतन नाम का एक बच्चा होता है ओथर रतन के बारे में बताता है कि वो बहुत ज्यादा मूवीज देखता है मूवीज का उस पर क्या असर पड़ता है पड़ोस में किरायेदार आता है तो वो समझता है कि वो किरायेदार क्या है एक स्मगलर है राइट right? तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे 4C जो 4 uh, माले पे फ्लैट है 4C, उसमें जो न्यू टेनेंट आया है जो नया किरायेदार आया है उधर कहता है रतन के अकॉर्डिंग वो क्या है स्मगलर है यानी स्मगलिंग करने वाला है रतन वो श्योर ऑफ दैट रतन था इस बात पे श्योर था यानी कि उसको पूर्ण विश्वास था इस बात पे कि वो स्मगलर ही है तो रतन कहता है कि उस व्यक्ति की जो आईब्रो है बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट है और बिल्कुल ब्लैक है और जब वो स्माइल करता है जो अपने दांतों को कभी कभी दिखाता है वो उसके दांत के हैं वो टेढ़े मेढ़े हैं क्रूक्ड हैं जस्ट लाइक द विलन इन द फिल्म मोती मोती थोट रतन तो रतन ऐसा सोचता है कि जिस तरह मोती मोती फिल्म उसने कोई देखी उसमें जिस तरह विलन था विलन की अपियरेंस थी लुक थी तो ये जो न्यू टेन है ये वैसे ही है तो ये पक्का एक स्मगलर ही होगा उस पर फिल्मों का बहुत असर पड़ता है इसलिए उसको न्यू टेनेंट को स्मगलर समझता है एंड वोज दैट ओल्ड फर्नीचर क्या ये सारा इसका फर्नीचर है रतन ऐसा कहता है वन कोट टेबल टू चेयर स्टील अलमीरा यानी कि एक कोट यानी कि एक चार पाई और, एक टेबल, और दो ये एक 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 स्टील की अलमीरा ये क्या है? इसका फर्नीचर है अलमीरा uh, तो फिर वो कहते हैं रतन कहता है की रतन के जो फादर होते हैं वो यहां तक उसको उसके फर्नीचर को लेके आते हैं बस अलमीरा को छोड़ के सारा फर्नीचर वो लेके आते हैं रतन फादर कुड कैरी कु मोस्ट ऑफ इट हिमसेल्फ जो रतन के फादर थे वो ज्यादातर फर्नीचर अपने आप उठा के लाए थे एक्सेप्ट फॉर द अलमीरा अलमीरा को छोड़कर क्योंकि अलमीरा क्या थी भारी थी एंड फॉर दैट ही हैड ओनली टू कॉल द माली मींस गार्डनर तो अलमीरा को उसने उठाने के लिए माली को बुलाया था गार्डनर को बुलाया था अदरवाइज रतन के फादर सारा सामान उसका उठाकर लाए थे फोर सी पर ले आया गया उसमें क्या हुआ की दो ट्रिप तो दो बारी चक्कर तो लगे लिफ्ट पे के ऊपर और एक बार स्टेयर के ऊपर यानी की दो बार वो लिफ्ट से गए सामान उठा के ऊपर रखने के लिए और एक बार वो स्टेयर से गए

अच्छा उनका ड्राॅंग रूम है फोर बी का वहां पे रेड कारपेट है और तो अंदर जाते हो तो एक सोफा बड़ा सोफा है और एक टीवी रखा हुआ है और सोफे पे लगभग छह लोग बैठ सकते हैं तो वो उनको देखता है और उनकी तारीफ करता है

टू बाथरूम इमेजिन दैट टू फिर इमेजिन करता है कि दो बाथरूम क्या करेगा और दो बाथरूम का इतनी चीज इतने सारे रूम का रूम वो अकेला है। He will use one room for फॉर another for his shoes.

तो वहां पे और उसका फ्रेंड होता है पन्ना तो वो उनकी बात को कट करता है वो कहता है कि वो अपनी एक स्लीव यानी कि अपने शर्ट की एक बाजू एक रूम में रखेगा दूसरे रूम में उसकी दूसरी बाजू रखेगा ऐसा वो वहां पे कमेंट करता है वो उनको कहता है वाइट ओके बट रतन वो श्योर देवर रोंग

तो कहता है कि कुछ गड़बड़ है ये एक, एक थीफ है एक चोर है ये यहाँ पे आया है क्योंकि ही वॉज हाइडिंग फ्रॉम द पुलिस ये अपने आप को पुलिस से छुपा रहा है यहाँ पे छुपने के लिए आया है वो इज दिस नॉट द बेस्ट प्लेस टू हाइड इन क्या ये बेस्ट प्लेस नहीं है छुपने के लिए अ बिग ब्लॉक ऑफ फैमिली फ्लैट जस्ट लाइक द स्मगलर डिड इन द एक हीरा तो वो एक दूसरी मूवी की बात करता है कि क्या एक बेस्ट प्लेस नहीं है एक बड़ा सा ब्लॉक फैमिली का फ्लैट है सारे जिस तरह वो स्मगलर करता है एक हीरा फिल्म में तो एक दूसरी फिल्म का रेफरेंस देके के यहाँ पे रतन बताता है कि एक हीरा फिल्म में जिस तरह स्मगलर एक फैमिली फ्लैट में रहने आता है उसी तरह ये जो पर्सन है न्यू टेनेंट है यहाँ पे उसी तरह रहने आया और पक्का ये कि स्मगलर ही होगा The trouble with you is that you watch too many films," said बीना

जानती थी she was in uh, the class 9th she had even cut open a frog and had said a frogs inside were interesting like ours तो बिना है जो वो भास्कर की सिस्टर होती है वो नाइन्थ क्लास में पढ़ती है और उसने frog को एक मेंढक को काट के भी देखा होता है साइंस के एक्सपेरिमेंट के लिए और उसको पता होता है कि जिस तरह इंसानों के बीच में इंटरेस्टिंग थिंग्स होती हैं उसी तरह frog के अंदर भी उस तरह की इंटरेस्टिंग इंस्ट्रस्ट, थिंग्स होती हैं

कि वो जो न्यू टेनेंट है वो एक बैडमैन है गंदा व्यक्ति है थीफ है चोर है स्मगलर है तस्करी करने वाला है नॉट जस्ट इन अ मोती मोती बट बट देर वर अदर फिल्म्स टू वेयर द विलन लुक्ड एग्जैक्टली लाइक दिस मैन डाकोर चोर तो फिर वो रतन फिर रेफरेंस देता है कि मोती मोती की तरह नहीं और बहुत सारी फिल्में हैं फिल्म है जिस तरह डाकोर चोर में है उसी तरह का ये पर्सन ये न्यू टेनेंट है वट अबाउट खून फिर वो एक खून फिल्म का रेफरेंस देता है कि खून फिल्म में तो ऐसा ही पर्सन होता है इसी तरह का अपियरेंस वाला पर्सन होता है

तो रतन के साथ जो प्रॉब्लम क्या थी उतनी यहाँ पे बताते हैं कि रतन हर समय स्पाई करने की कोशिश करते हैं जासूसी करने की कोशिश करता है कि फोर्सी सी में जाए और देखे कि न्यू टेनेंट क्या कर रहा है ताकि वो कुछ प्रूफ जुटा पाए परंतु तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी

तो उसने ये सोचा कि बॉयज हीरो जो होते हैं वो कभी भी किसी काम को छोड़ते नहीं है मिड में नहीं छोड़ते उसको अंजाम तक ले जाके रहते हैं पूरा करके रहते हैं दे वेटेड फॉर मेनी डेज उन्हें उसने कहीं दिनों के लिए उसने कहीं दिन आ, इंतजार किया वन अफ्तर्नून डी मैन केम बैक एरली

मैन रिटर्न रतन जो था वो गेट कीपर का बेटा था तो वो गेट के पास बैठा होता है जब वो मैन वहां से रिटर्न करते हैं द मैन पास्ट बाय हिम देन टर्न इट अराउंड जो मैन होता है न्यू होता है उस रतन के पास से गुजरता है और उसकी तरफ मुड़ता है हे बॉय ही सेड एंड हेल्ड आउट सम मनी उसने कहा कि हे hey, बच्चे uh, उसने अपनी पॉकेट से कुछ पैसे निकाले

तो रिमेम तो अपने मन में सोचता है रतन कि याद करने की बात है नंबर फोर सी फोर सी तो मुझे रटा पड़ा है कि स्मगलर का हाउस है तो रतन अपने मन में ऐसा सोचता है यस इंस्पेक्टर ही इज इन फोर सी नाउ सर ही कांट एस्केप आई हैव बोल्टेड द डोर फ्रॉम आउटसाइड तो यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं वो उसकी यानी कि वो ऐसा इमेजिन कर रहा है ऐसा कल्पना कर रहा है ऐसा सोच रहा है रतन कि वो जब स्मग्लर को पकड़ लेगा तो पुलिस वाले को फोन करेगा पुलिस को फोन करेगा और उसे बोलेगा कि इंस्पेक्टर वो यहाँ से नहीं भाग सकता है मैंने उसको बंद कर दिया है बाहर से अब वो यहाँ से नहीं भाग सकता आपको पकड़ सकते तो ऐसा इमेजिन करता है कि जब मैं उसको पकड़ लूंगा स्मगलर को पकड़ लूंगा तो ऐसा कहूंगा तो मूवीज देखने की वजह से उस पर ऐसा असर होता है इन फाइव मिनट्स रतन वॉज इन द लिफ्ट विद द मैच बॉक्स आइज है पांच ही मिनट में क्या होता है रतन वहां पे लिफ्ट में होता है अब मैच बॉक्सेस ले आता है अब उसकी आईज जो होती हैं बिल्कुल नैर हो जाती हैं सुकुड़ जाती हैं लाइक चंदन स्ट्रेट लाइन और चंदन की तरह उसके बाद थोड़े ही मिनटों के बाद जब वो स्पाई करेगा वहां पे जाएगा जासूसी करेगा तो प्रूफ उसके हाथ में होगा द प्रूफ ऑफ स्मगलर इन फोरसी यानी कि फोरसी में जो रहता है स्मगलर उसका प्रूफ देन ओल ही है टू कॉल द पुलिस जो वो कुछ करेगा वो क्या होगा ये ये होगा कि वो पुलिस को कॉल करेगा सबसे पहले ही कुड गो टू भास्कर हाउस और इवन गोपीस हाउस टू यूज द फोन और वो कहता है कि उसके बाद वो या तो भास्कर के घर पे जाएगा फोन करने के लिए जब उसको प्रूफ मिल जाएगा पुलिस को फोन करने के लिए या गोपी के घर पे जाएगा फोन करने के लिए दैट वुड सर्व गोपी राइट व्हेन द पुलिस केम एंड उसके बाद वो पुलिस वाले गोपी को सिखाएंगे कि सही क्या अच्छे से सेवा करेंगे जब पुलिस वाले वहां पे आ जाएंगे गोपी जो मुझे हर समय परेशान करता रहता है तो पुलिस वाले उसकी अच्छी सेवा करेंगे द फ्रंट डोर ऑफ फोर्सी वॉज हाफ ओपन तो जब वो वहां पे जाता है वो देखता है कि फ्रंट डोर जो होता है 4C का वो आधा खुला हुआ होता है रतन स्टॉप्ड एंड वाइप्ड द स्वेट ऑफ हिज ब्रो एज़ ही हैड सीन द हीरोज डू जस्ट बिफोर दे फेस्ड द विलन तो रतन जब 4C के पास पहुंचता है तो वो हाफ ओपन होता है और उसके बाद वहां पे खड़ा होके वो अपनी आ, ब्रो से आइब्रो से अपने अपने स्वेट को पोंछता है अपने पसीने को पोचता है जिस तरह है, विलन को देखने से पहले मिलने से पहले सामना होने से पहले मूवीज में हीरोज करते हैं उसने वैसे ही किया हिज बैक अगेंस्ट द वॉल हिज आर्म्स आउटस्ट्रेच हिज फेस टर्न इट वो बिल्कुल दीवार के साथ खड़ा था उसकी कमर दीवार से लगी हुई थी रतन की और उसके हाथ फैले हुए थे और अब वो अपने फेस को एक तरफ मोड़ता है उसको स्पाई करने के लिए कि वो न्यू टैलेंट क्या कर रहे हैं रतन क्रैप्ट क्रे, uh, वो डोर के पास जाता है वट वुड ही सी वो क्या देखता है वट he वुड सुनता है मैन वॉज एट जो मैन होता है वो फोन पर होता है फोन पे बात कर रहा होता है रतन the वर ऑफ टेलीफोन डायल उस समय रतन उस टेलीफोन डायल करने की जो वर होती है यानी कि वो आवाज आ रही होती है टेलीफोन डायल करने की वो उसको सुनता है

जो आ रहा है वो माल जो मंगवाया है उसने उनको भेज दो उसने कहा है वो कुछ भी हो सकता है वो हो सकता है रिस्ट हो यानी कि क्लाई पे बांधने वाली घड़ियां हो या सोना हो और क्या क्या नहीं हो सकता रतन ऐसा कुछ इमेजिन करता है कल्पना करता है कि अब उसने इस तरह का कुछ ऑर्डर किया है फोन पे पक्का एक स्मगलर ही है वॉच एज अड ही

जब वो उन उसको पकड़वा देगा उस क्रिमिनल को पकड़वा देगा और शायद उसको अब इनाम के रूप में एक रिस्ट वॉच वॉच मिले कि मिलेगी जिसको जो जो हमेशा चाहता है कि उसको मिले, वो दूसरी से टाइम को रीड नहीं कर सकता नहीं पढ़ सकता और उससे पढ़ेगा जब उसको न्यू वॉच मिलेगी अवार्ड के रूप में लिफ्ट ट्राइंग टू स्टील

वो कुछ ऐसा बोलता है अब अपने आप को बचाने की कोशिश करता है उसकी ग्रिप में से भागने की कोशिश करता है अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है परंतु वो नहीं छुड़ा पाता गोपीज फादर ग्रैब्ड हिम टाइटर और अच्छे से पकड़ लेता है गोपी का फादर उसको रतन रिंगल्ड आउट इट वाज नो यूज जो रतन क्या करता है रिंगल कर, करता है तड़पता है यानी कि अपने आप को छुटाने छुड़ाने की कोशिश करता है वहां से अपने आप को बॉडी को मोड़ मोड़ के ऐसे तो किसी भी तरह से अपने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है परंतु ऐसा वो नहीं कर पाता चंदन वुड हैव किक्ड हिज वे बट हाउ कुड ही रतन किक कप फादर तो फिर एक मूवी की याद करता है कि चंदन मूवी में सॉरी तो फैसला मूवी में जो चंदन होता है वो कैसे अपने आप को छुड़ाने के लिए किक मार देता है परंतु वो गोपी के फादर को कैसे किक मार सकता है क्योंकि उसके फ्रेंड के फादर होते हैं दैट वाज इम्पॉसिबल ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है द डोर ऑफ फोरसी ओपन वाइडर एंड ए मैन लुकड आउट उसके बाद क्या होता है जो डोर होता है फोरसी का वो खुलता है फोरसी फ्लैट का और उसके बाद क्या होता है वो मैन वहां उसमें से बाहर निकलता है

तो उस व्यक्ति ने केवल स्माइल की और अपने वो दांत दिखाए उसको नाउ द मैन माई टेक हिम फ्लैट एंड फिनिश हिम ऑफ विद और समथिंग इफ ओनली ही अब गोपी को लगता है कि क्या होगा व्यक्ति मुझे अपने रूम में ले जाएगा मुझे कराटे से अपने कराटे मारेगा और कराटे यानी कि जो भी करेगा उससे वो मुझे उससे खत्म कर देगा और शायद मैं गोपी के फादर को बता पाऊँ इस व्यक्ति के बारे में इसने जो फोन किया है कुछ मंगवाया है तो उसके बारे में शायद मैं बता पाऊँ बट वट वॉज द मैन सिंग ओ do let him go he is good boy he got me a match matches box and he was waiting for me that is all टेनेंट uh, क्या करता है वो कहता है कि जिसे जाने दो मैंने से मैच मंगवाई थी और ये ये बस उसी की वेट कर रहा था ये कोई नहीं है। गोपी के फादर ने बात सुन के उसको छोड़ दिया और फिर उसने मैच बॉक्सिस लिए उससे और उससे जो चेंज था बाकी बचे पैसे थे वो उससे लिए गोपी बॉय सॉरी गुड बाय यू

टोन यानी कि बिल्कुल धीरे से चुपचाप कुछ कहना फुसफुसाना वी कैन से दैट

What would 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 happen now? Would they take the 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 man man away? in 4C? Then who would teach him? The old hero had to know चंदन डेड तो उसके बाद वो कहता है कैसे आगे पुलिस यहाँ पे मैंने पुलिस को बुलाया नहीं तो कहता कि अब इसको व्यक्ति को ले जाएंगे फोर्सी वाले पर्सन को ले जाएंगे और मुझे कराटे कौन सिखाएगा सभी बॉयज हीरो कराटे जानते हैं जैसे चंदन जानता था परंतु तो मुझे कौन सिखाएगा ऐसा वो सोचता है नाउ द पुलिस वर ऑन द सेकंड फ्लोर नाउ ऑन द थर्ड वर दे स्टॉपिंग देयर नो दे क्लाइम्ड अप फर्दर नाउ दे वर ऑन द फोर्थ फ्लोर फ्लोर लैंडिंग एंड देन दे स्टॉप उसके बाद वो एक एक करके फोर्थ फ्लोर पे आ जाते हैं पुलिस वाले सभी जस्ट वेरी स्मॉल पार्ट इज लेफ्ट लेट्स रीड दिस One of them put his hand into into the 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 pocket and was was it for the handkerchief? Ratan stood still. There was nothing he he could could do now, but could he try a sudden dive into the policeman's stomach? Mm -hmm. तो पॉकेट में हाथ डालते हैं और वो सोचते हैं क्या ये हैंडकर चीफ है अभी स्मगलर क्या करेगा उसको पकड़ लेंगे पुलिस वाले क्या ये डाइव करेगा एक छलांग लगाएगा और भाग जाएगा और या फिर उनकी उस, उसके ऊपर एक प्रहार करेगा पुलिस वाले के ऊपर बट वट वॉज दिस द पुलिस मैन है पीस ऑफ पेपर एंड वॉज शोइंग इट गोपी फादर वो क्या करते हैं वो देखता है कि पुलिस वालों ने हथकड़ियां नहीं निकाली उसने पेपर निकाला है जो उन्होंने गोपीज के फादर को दिखाया And now suddenly Gopi's father looked like the money lender in दूध रोटी तो अब वो कहता है कि अभी जैसे उसको स्लिप दिखाई गई

Now, what meaning is there? Granted, that is spoken in a low, deep voice. right? So, this, this is all about this chapter. And this questions of this chapter, we will discuss in the next uh, video lecture. Till then, see you. Bye bye. And thank you so much.